यार ऐसा लगा कि लद्दाख में दोबारा पहुंच गए। धुआं धुआं हो गया। बारिश में आता है सब कुछ 50 किलोमीटर के एरिया में पानी पानी फैल जाता है सब। अच्छा 50 रुपया का आधा किलो। और बगोदरा बगोदरा कल रात भी ठीक से नहीं सो पाया, परसों रात भी नहीं सो पाया। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। तो ऑल इंडिया साइकिलिंग राइड का आज हमारा हो चुका है 309 डेज, 309 दिन। कल रात मैं रुका था गुजरात के एक हाईवे वाले मंदिर पे, और ये मंदिर है मुगला माता का मंदिर, और देख सकते हैं यहाँ पे यात्रियों का रुकने का व्यवस्था सब कुछ था, तो यहाँ पे रुक गए थे। और यहाँ पे साइकिल हमारा हो चुका है रेडी, आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि यार कुछ भी करे रात में सोने में अगर लेट हो जाता है ना तो सवेरे उठने में बहुत प्रॉब्लम होता क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। बाकी कल रात में लेट हो गया था तो आज अपने राइड को स्टार्ट करते हैं। आज मौसम थोड़ा सा गर्म किया हुआ है, देखते हैं क्या और कैसा चलता है। तो जय श्री राम, चलिए राइड को स्टार्ट करते हैं। राइड को स्टार्ट करने के बाद लगभग 25 किलोमीटर चला हूँ, अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। और रास्ते में एक जगह पर रुक के खाना भी खाया, और दाल चावल ही खाया, उसका वीडियो नहीं बनाया, होटल वाले ने पैसा नहीं लिया। और बाकी दोपहर हो चुका है 11:39, कल रात में सोने में मैंने लेट कर दिया था यार। मैं फ़ोन नहीं चलाना चाहता, फ़ोन क्या है सोशल मीडिया ये सब चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होता है, मैं करना नहीं चाहता हूँ। एक बार चलाओ तो चलाते ही रह जाओ, इस वजह से लेट हो गया सोने में, सवेरे एनर्जी नहीं मिल रहा है ज़्यादा। तो 11:30 ही बजा है तो एक मंदिर मिला है, तो यहाँ शांति है, कुछ नहीं है आसपास में। मेन हाईवे के पास में ये मंदिर है, कौन से भगवान का है, शायद शंकर भगवान का है, अंदर में है, गेट भी लॉक है। बाकी बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, यहाँ पे जगह भी है, तो यहाँ पे थोड़ा देर बैठते हैं, रेस्ट वेस्ट करते हैं और फिर आराम से चलेंगे। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा साइकिलिंग किया जाए, बहुत ज़्यादा राइड किया जाए, शरीर में एनर्जी होना भी बहुत ज़रूरी है यार, आप समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत है साइकिलिंग में, मज़ा तो है लेकिन जितना ज़्यादा आप आनंद लेना चाहेंगे आपको उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा देर रेस्ट करते हैं यार, पानी वानी है हमारे पास अभी। पे रेस्ट करने के बाद मैंने राइड को स्टार्ट कर दिया है, 4 बजा है और धूप जो है ना बिल्कुल मेरे सामने से आ रहा है, सन डाउन हो रहा है, यानी कि पश्चिम की ओर हम जा रहे हैं, लगभग पश्चिम की ओर जा रहे हैं। और यार धूप में जाते हैं ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा जलने लगता है एकदम, मतलब सनलाइट जो बहुत हार्शिंग हो रहा है आजकल यहाँ पे, वो स्किन पूरा आप देख सकते हैं। मैं आपको कभी दिखाऊंगा कि मेरा एक तरफ का जो स्किन है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, और दूसरे तरफ का जहाँ पर प्रोटेक्शन करके ग्लव्स पहन के रखता हूँ वहाँ का स्किन थोड़ा सही है। गर्मी में यार बहुत एनर्जी लॉस होता है और बहुत एनर्जी का ज़रूरत भी पड़ता है। तो यहाँ पे एक मार्केट मिल गया था तो सेव ले लिया हूँ मैंने, ये देखो ये सेव लिया हूँ मैं और खा लेता हूँ। पचास रुपये का आधा किलो। और चना भी मैंने लिया है ये वाला, जब कुछ नहीं रहता है तो वही खा के काम चला लेते हैं, आगे चल के कुछ देखेंगे। कभी कभी ये सब चीज़ खाना चाहिए, नहीं खाने से बहुत वीकनेस आ जाता क्योंकि साइकिलिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है ना। इस जगह का क्या नाम है अंकल जी? बगोदरा। बगोदरा, हाँ बगोदरा है, अहमदाबाद जिला का बगोदरा है। धुआं धुआं हो गया।
एक से डेढ़ घंटा से मैं चल रहा हूँ और दोनों तरफ पानी मिल रहा है और बीच में सड़क है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये देखिए इधर उधर, ये किस प्रकार का एरिया भाई साहब? ये बारिश में आता है सब कुछ, 50 किलोमीटर के एरिया में पानी पानी फैल जाता है सब। अच्छा, शहर गांव कितना दूर बाद मिलेगा यहाँ से? गांव यहाँ से 20-30 किलोमीटर के बाद आएगा लिमडी गांव, लिमडी शहर आएगा 30 किलोमीटर बाद। तो भाई अभी हमको 30 किलोमीटर और चलना है, लगभग सवेरे से 40 किलोमीटर के आसपास में चल चुके हैं, तो समझ सकते हैं कि अभी शाम के 6 बज चुका है, 30 किलोमीटर और चलना है भाई। तो आपका क्या नाम है? यशपाल सिंह, राजपुर। अच्छा, आपका गांव? गांव यहाँ शायला लिमडी के पास। अच्छा अच्छा, अब द्वारका के रूप में आएगा अभी। आगे कोई मंदिर वगैरह मिलेगा? हाँ, आगे मिल जाएगा, लिमडी में मिल जाएगा। अच्छा, वहाँ रुक सकते हैं? रुक सकते हैं। तो चलो देखते हैं, मिल जाएगा तो। बाकी इसी प्रकार से चलते रहते हैं, जैसे लग रहा था कि लद्दाख वाला एरिया को पार किए हैं। बाकी देख लो, ये सब एरिया है। उस धूल मिट्टी वाले और सुनसान इलाका से बहुत दूर चलने के बाद लास्ट में एक होटल मिल चुका है, और मतलब होटल मिला तो होटल के पास मैंने पूछ लिया टेंट लगाने के लिए, और यहाँ पे टेंट लगा चुका हूँ, देख सकते हैं होटल के पास ही। और ये है होटल ओरिजिन, और यहाँ पे जगह मिली है, और साइकिल मेरा देख सकते हैं वहाँ पर कार के पास लगा हुआ है। तो दोस्तों खाना पीना कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर सो जाएंगे, फिर कल नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करेंगे। चलते हैं, देखते हैं खाने के लिए क्या मिलता है। तो ये मैं खा रहा हूँ खाना, ये खाना है पंजाबी थाली करके। मैंने बोला कि दाल चावल कर दो, तो बोला उससे ज़्यादा महंगा हो जाएगा, तो 150 रुपये के आसपास में यही मिल गया है, तो यही खा लेते हैं। ऐसा खाना खाने में डर लगता है भाई, प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, खा लेते हैं जल्दी जल्दी। ये सब कुछ है, खाना वाना खा लिया गाइस, नहा धोवा भी लिया था यहाँ पर, और खाना का 140 रुपया लगा, उसमें से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, जो मेरा काम का था वही खाया, अलग से लेता तो ज़्यादा ही लग जाता। तो टेंट वो देख रहे हैं ना, फ्रिज, उस फ्रिज के उस तरफ में मैंने टेंट लगा लिया। तो यहाँ के लोग तो अच्छे हैं, अभी तक कहीं भी मना नहीं किया है, बाकी राजस्थान में तो उतना अच्छा नहीं था। बाकी यहाँ पे एक और भाई है, हेलो भाई, क्या नाम है आपका? अहमद फारूक। और इस जगह का क्या नाम है? लिमडी। लिमडी, लिमडी। अच्छा, मार्केट या सिटी कितना किलोमीटर वाला है? 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर बाद मिलेगा। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। तो ऑल इंडिया साइकिलिंग राइड का आज हमारा हो चुका है 310 दिन, कल था 309 दिन, और कल रुके थे हम इस होटल के पास में टेंट लगा के, आपने देखा ही था। और चल रहे हैं अब, ये हमारा बाइसिकल हो चुका है पूरा रेडी, तो चलिए जय श्री राम अपने राइड को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद बहुत दूर तक चला हूँ, और समय हो गया है 11:13, और अभी तक कुछ होटल वगैरह मिला नहीं जहाँ पे खाना खाया जा सके, और एक मिला था तो वहाँ खाना तैयार नहीं हुआ था। अभी मैं ऐसा एरिया में जहाँ 50 किलोमीटर के रेडियस में कुछ है नहीं, पानी जो हमारे पास बचा है थोड़ा सा गर्म ही हो चुका है, बाकी चलते रहते हैं, कुछ मिलेगा तो खाना खाएंगे। यार आज एनर्जी डाउन लग रहा है, क्योंकि कल रात भी ठीक से नहीं सो पाया, परसों रात भी नहीं सो पाया, दिन में साइकिलिंग किया, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन आते रहता है। बाकी कोई बात नहीं, इतना सुंदर प्यारा नज़ारा है, इसको ही देख लेते हैं, है कि नहीं? तो चलते हैं आगे। तो दूर चलने के बाद फाइनली एक ढाबा मिला है, तो यहाँ पर साइकिल को लगा दिया मैंने, और यहाँ पर खाने के लिए आया हूँ। और यहाँ का जो प्राइस वगैरह सिस्टम वो बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे खाने का बहुत सारा ऑप्शन रहता है, मेन्यू में बहुत चीज़ रहता है, लेकिन मुझे तो खाना है सादा खाना, इस वजह से उसका ज़्यादा पैसा लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे थाली वाला सिस्टम होता है, उसमें सब कुछ होता है, 3-4 रंग का सब्जी, लेकिन वो बहुत फैंसी होता है, वही सब खाना से तो प्रॉब्लम होता है। तो मैं खा रहा हूँ यहाँ पे सादा चावल और दाल, तो सादा चावल का 70-80 रुपया लगेगा, और दाल का अलग से 110 रुपया लगेगा, तो क्या कर सकते हैं, अब सादा खाना खाना है तो खाना ही पड़ेगा।
ऐसे भी अभी समय हो चुका है 11:40 और कुछ मिल नहीं रहा था, तो ये होटल है, खाना खाते हैं और बहुत एनर्जी लोस्ट भी लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा देर रेस्ट भी कर लेंगे। दाल फ्राई है और इसके साथ बहुत ही पुराना और सड़ा हुआ प्याज भी दिया गया है। और ये चावल अब देखिए 70 रुपये का चावल है, ताज़ा नहीं बनाते हैं यहाँ पे, अब यही मिलता है तो क्या ही कर सकते हैं, खा लेते हैं। इसमें भी मिर्ची थोड़ा ज़्यादा है लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब खाते हैं और खा पी करके आगे चलेंगे। चावल तो मैंने खा लिया लेकिन पेट नहीं भरा, तो मैं और रोटी मंगाया हूँ। ये देखिए ये है रोटी, ये इसका प्राइस होता है 12 रुपये पीस। और ये दाल बचा हुआ है तो खा लेते, फिर भी पूरा नहीं खा पाएंगे क्योंकि इतना काफ़ी होता है, हाफ हाफ का कोई सिस्टम नहीं होता, मैंने बोला हाफ प्लेट दे दो तो कोई सिस्टम नहीं है, बाकी यही है। एक बार ठीक से खा लेते हैं बढ़िया से, फिर अपना चलते रहेंगे। सामने है हाईवे, उस होटल से खाना खाने के बाद बहुत दूर तक चला, सुबह से अभी लगता है कि 60 किलोमीटर से प्लस साइकिलिंग कर चुका हूँ। और एक मिला मुझे आश्रम, देखो एक ऐसा आश्रम है, तो चलते हैं इसके अंदर। मैंने अभी अंदर जाके पूछा तो बोल दिया उन्होंने कि आ जाओ रह लो, तो आश्रम में तो रहा ही जाता है इसीलिए होता है, बाकी कई कई जगह व्यवस्था नहीं होता। चलते हैं अंदर में और देखते हैं क्या व्यवस्था है। फाइनली अंदर में आ चुके हैं और जगह भी मिल गया रहने का, नहा धोवा करके फ्रेश भी हो चुके हैं। और अंकल जी यहाँ पे खाना लाए हैं हमारे लिए, तो ये है खाना, हम लोग खाएंगे यहाँ पे। थोड़ा लाइट अभी चला गया है, बाकी खा लेते हैं दाल चावल जो भी है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। या आज के ब्लॉग को दोस्तों एंड करते हैं, मिल गया था आश्रम, यहीं पर रहेंगे, तो मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, बाय।